आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक 5G हैंडसेट का ग्राफिक सेक्शन का एक वीडियो है जो कि आपको बहुत ही इसमें हेल्पफुल होगा। देखिए पूरा लाइव रिपेयर किए हैं और ये हैंडसेट फ्रेंड जिसने बनाया पूरे YouTube पे आपको एक भी इस हैंडसेट का वीडियो नहीं मिलेगा, ना ही इंडिया में किसी ने इस हैंडसेट को बनाया। ये MI का एक MI 10T करके हैंडसेट है जो कि 5G हैंडसेट है और ये लेटेस्ट इसमें चिपसेट लग के हैं। तो इसमें ग्राफिक का इशू था फ्रेंड्स, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया, पूरा लाइव रिपेयर किया है और इसमें डुअल टेकर CPU होता है। देखिए आप कैसे हैंड स्किल का काम इसमें वन टाइम ने हमने किया है और ये जो वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप फोनसिक हैदराबाद की पूरी टीम की तरफ से और ऐसे ही सॉल्यूशंस के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे पास जो आपको हार्डवेयर के जो मास्टर है सागर सर लाइव इस हैंडसेट को रिपेयर करके बताएं जो कि स्टूडेंट का ही हैंडसेट है। अभी 27 सितंबर बैच में एक स्टूडेंट अपने साथ ये सेट लेकर आए तो हमने इसको रिपेयर करके स्टूडेंट को दिया है। उसका फॉल्ट हमने बताया स्टेप बाय स्टेप। कई मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स आपका कि ड्राई सोल्डिंग हो जाने की वजह से काफी सारे ICs अपने आउटपुट नहीं निकालते हैं। GR तो ओके रहता है, वोल्टेजेस भी ओके रहता है, बट उसका जो सिग्नल होता है फ्रेंड्स, जो डाटा होता है, वो डाटा उसका ट्रांसफर ना होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हमने फॉल्ट को फाइंड आउट किया है। और फ्रेंड इस तरह का आपको हैंड स्किल की नॉलेज चाहिए और सर्किट की नॉलेज चाहिए तो आज ही जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ। यहाँ पे आपको 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 10 घंटा हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्लास देते हैं जिसमें 8 घंटा हैंड स्किल और 2-3 घंटा थ्योरी सर्किट की नॉलेज देते हैं ताकि दोनों आपके मजबूत हो, हैंड स्किल में भी आप मजबूत हो, फॉल्ट को फाइंड आउट करने में भी आपकी नॉलेज अच्छी हो। यही कारण है हम लैपटॉप देते हैं, डायग्राम देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, मदरबोर्ड फ्री देते हैं प्रैक्टिस के लिए, रहने के लिए रूम फ्री होता है, ओनली आपको फूड अपना करना है और 20 दिन हमको देना है। आपको हम एक अच्छे लेवल का टेक्नीशियन बनाएंगे, एक अच्छे लेवल पे आप अपने मार्केट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस की वीडियो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वीडियोस के लिस्ट में जाके देखिए काफी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस हम लोग बनाकर आपको लाकर देते रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस की वीडियोस आते रहेंगे। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, चाहे आप ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, डिस्प्ले पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभी अपने पास एक मोबाइल है, रेडमी का 10T मॉडल है, MI 10T मॉडल है। इसके अंदर जो इशू है, जो ग्राफिक नहीं आ रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है मगर कोई भी टाइप ऑफ ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो चेक करेंगे इसके अंदर। अभी मैं फ़ोन को तो ऑन कर दिया, यहाँ चार्जर भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो चार्जिंग भी यहाँ कनेक्ट कर दिया मगर कोई भी टाइप ऑफ डिस्प्ले इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ दिखाता हूँ मैं, इसके अंदर जो है प्रॉपरली 1.6 एम्पियर ले रहा है, इधर एम्पियर जो है पूरा ले रहा है, फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है, साउंड भी आ गया है इसके अंदर, ठीक है, मगर इसके अंदर जो इशू है ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो ये देखेंगे अभी मैं यहाँ चार्जर, तो आवाज़ भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे इसके अंदर, पहले मैं जो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर का GR ले लेता हूँ, पहले इसके अंदर चेक करेंगे जो MIPI के लाइंस और जो इसके अंदर जो वोल्टेजेस बन रहे हैं। तो पहले मैं अपन चेक करेंगे, यहाँ डायग्राम ओपन कर दिया मैं इसका, तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ जो है अपना, इसको जरा अप कर दे रहा हूँ, तो ये अपना लाइटिंग सेक्शन के लिए है, तो इसके कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अपने को जो ज़रूरत है जो ग्राफिक के लिए जो है, यहाँ ओपन कर रहा हूँ जो डिस्प्ले कनेक्टर है, तो इसका कोई स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन से बता रहा हूँ मैं आपको जो लेटेस्ट मॉडल है। तो इसके अंदर चेक करेंगे अपन, यहाँ सारा MIPI के लाइन जो है नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स आ रहा है अपने का। MIPI के लाइन जो है 10 लाइन्स आ रहा है जो CPU से कनेक्टेड रहते हैं।
इसके अंदर जो बीच में कोई ड्यूअल फिल्टर तो यहाँ यूज़ नहीं करा, तो देखेंगे यहाँ साइड में यहाँ बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके अपने को सीधा सीपीयू तक यहाँ कनेक्टिविटी जो है ये वाला लाइन पे सारा चीज़ चेक करेंगे, जीआर आ रहा या नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ वीएसपी वीएसएन जो बना रहा है ये दो वोल्टेजेस, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे वीएसपी एंड वीएसएन जो है ये बना रहा या नहीं बना रहा, इसके ऊपर बनता है अपने को प्लस 5 वोल्ट एंड माइनस 5 वोल्ट, इन दोनों को देखेंगे कहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ दो लाइन यहाँ कनेक्टेड है और एक लाइन आ रहा है अपने को वीआरईजी का जो L14A का लाइन जो है 1.8 की लाइन, इस पर आना है, ये वाला वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। और यहाँ उसके बाद जो है अपना ऊपर के तरफ दो लाइन दिया हुआ है, तो ये वाला लाइन को चेक करेंगे। अब MDP वीसेंस का लाइन पॉजिटिव का लाइन है और अपना जो है LCD रीसेट N का लाइन है, ये दो लाइन को अपन चेक कर लेंगे। अभी नीचे आ रहा हूँ मैं, जो LCD ID1 और ID2 का लाइन है ये सारा लाइन के ऊपर चेक करेंगे, GR चेक कर लेंगे पहले। तो अभी मैं मदरबोर्ड के अंदर जो है मीटर के साथ आपको प्रॉपरली चेक करके बताता हूँ। तो हाँ यहाँ देखेंगे अभी ये वाला प्लेस के अंदर, यहाँ देखेंगे पहला वाला पॉइंट तो अपना ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ देखेंगे अपने को 359 का रीडिंग आ रहा है, यहाँ भी सेम वही रीडिंग है 359, और इसके बगल में यहाँ भी देखेंगे ये सब जो है MIPA का लाइनों का रीडिंग जो है सारा जो GR वैल्यू है सेम ही रहता है। और यहाँ ग्राउंड आ गया, फिर ये वाला लाइन पे अपने को सेम रीडिंग मिलेगा, इधर भी सेम रीडिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ भी देखेंगे ग्राउंड, इसके ऊपर भी अपने को 360 का और उसके बाद का भी 360 का, उसके बाद का जो लाइन है ग्राउंड है, उसके बाद जो है अपना ये वाला लाइन है इसके अंदर भी 358 का रीडिंग आ रहा है, इधर भी 360 का रीडिंग आ रहा है। तो इसके बाद का जो लाइन है इसके अंदर भी ये वाला पॉइंट 358, उसके बगल वाला भी 358, और उसके बगल वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो चेक करेंगे ये वाला पॉइंट जो है अपना 1.8 की जो लाइन VIO 1.8 है, उसके बाद ये हो गया अपना VSP का लाइन हो गया, और यहाँ आ गया अपना VSN पे जो है रिवर्स प्रोब करके चेक कर लेना ऐसा, तो यहाँ चेक करेंगे VSN पे भी अपने को रीडिंग आ रहा है, सारा MIPA का सप्लाई मिल रहा है और 1.8 की जो है उसके ऊपर भी रीडिंग आ रहा है, VSP पे आ रहा है, VSN पे भी आ रहा है। अभी देखेंगे जो CPU से जो कनेक्टेड है ORA लाइन जो है उसके अंदर देखेंगे पिन नंबर या 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जो है अपना ID1 ID2 है, तो 7 8 के ऊपर GR ले लेंगे अपन। 7 और 8 नंबर पे यह है 7 नंबर का पिन, इसके ऊपर भी अपने को 510 का रीडिंग आ रहा है। 8 नंबर पे भी चेक करेंगे, इसके ऊपर भी सेम रीडिंग आ रहा है, दोनों भी ओके है अपने को। और उसके बाद 9 10 11 12 पे जो है अपने को जो CPU से रीसेट की लाइन आ रहा है, और ये वाला साइड वाला ये दो चीज़ चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, 510 का रीडिंग आ रहा है और 12 नंबर पे देखेंगे 513 का रीडिंग आ रहा है, ठीक है। ये दोनों पे भी अपने को प्रॉपरली रीडिंग आ रहा है। और यहाँ देखेंगे अपन यहाँ जो इसको थोड़ा मैं जूम करना चाहता हूँ, तो सारा रीडिंग अपने को मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, सारा चीज़ मिल रहा है अपने को। और सारा रीडिंग मिल रहा है। अभी नेक्स्ट चेक करेंगे अपन इसके ऊपर सारा लाइन के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए अभी अपन इसको बोर्ड के अंदर लगाएंगे। मैं अभी इसको जो चार्जर की कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बैटरी की कनेक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ से चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। जो चार्जिंग वाला पट्टा तो कनेक्ट कर दिया अपन, चार्जर कनेक्ट कर देंगे। जैसा चार्जर कनेक्ट कर दिया उसके बाद ओ
पावर की को दबा के फ़ोन अपना ऑन हो गया। तो चेक करेंगे अभी यहाँ अपने को जो वीवो पे चेक करना है अपने को जो 1.8 की वोल्टेज बना रहा या नहीं बना रहा, तो वोल्टेज मोड में सेट कर लेंगे यहाँ। तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ अपने को मिलना है अपने को वीवो का 1.8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पिन पे देखेंगे वीवो 1.8 आना है अपने को। ये वाला पिन पे चेक करेंगे 1.8 की वोल्टेज यहाँ मिल रहा है अपने को, और इसके बगल वाला जो है अपने को वीएसपी का कनेक्शन है उसके ऊपर देखेंगे 5 वोल्ट यहाँ भी मिल रहा है अपने को, और वीएसएन के ऊपर देखेंगे यहाँ भी अपने को 5 वोल्ट माइनस ये भी मिल रहा है अपने को। जो प्लस 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ मिल गया अपने को, माइनस 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ मिल गया, और 1.8 की वोल्टेज यहाँ मिल गया। तीनों का वोल्टेजस प्रॉपरली अपने को मिल गए। और नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो कोई लाइन तो ट्रैक तो ओपन नहीं है, मगर सिर्फ सीपीयू से ड्राई होने के वजह से इसके अंदर जो अपने को ग्राफिक नहीं बन रहा है। ठीक है, रिसेट पे एक 1.8 की वोल्टेज, ये तो ओके है, ठीक है, बता दूँ यहाँ। हाँ ठीक है, अभी अपने को रिसेट पे जो है अपने को 1.8 की वोल्टेज मिल रहा है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 नंबर पे चेक करेंगे 1.8 की वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। सभी लाइनों के ऊपर अपने को जो वोल्टेजिंग के अंदर जीआर भी मिल गया और वोल्टेज भी मिल गया, मगर इसमें क्या होता है अपने को सीपीयू ड्राई होने के वजह से जो है अपने को ग्राफिक नहीं बन रहा है। तो एक बार सीपीयू को एक बार निकाल के रिबॉल करके चेक करेंगे अपन। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका सीपीयू जो है डुअल लेकर सीपीयू है इसमें, जो कि क्वालकॉम का 8250 इसमें सीपीयू होता है, और रैम जो है इसमें 6GB 8GB का रैम मिलेगा। तो ये डुअल लेकर सीपीयू है। तो सबसे पहले इसका हम ऊपर का जो रैम है उसको निकालेंगे, बाद में इसमें जो क्वालकॉम सीपीयू है 8250 उसको निकालेंगे। और इसमें जो UFS है 3.1 का UFS इसमें यूज़ किया गया है, और USB 3.0 इसके अंदर है, और फास्ट चार्जिंग इसमें रखी गई है, और जो बैटरी है इसमें 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हैंडसेट आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट हैंडसेट है, और इसमें लेटेस्ट CPU लग के है 8250, जो कि डुअल डेकर रैम है। बहुत सारे बच्चों को मुश्किल होता है इस तरह का डबल डेकर रैम बनाने में, बहुत ईजी वे में आप क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसे खोल के वन शॉट में आप लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रैम को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, हैंड स्किल और टेक्निक ट्रिक और कितनी एयर रखनी है, कितनी हीट रखनी है, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम क्लास में बच्चों को 8-8 घंटा हैंड स्किल पे फोकस कराते हैं, हैंड स्किल उनका बेस्ट कराते हैं, और 3 घंटा सर्किट डायग्राम की नॉलेज उनको देते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी लाइन आपको चेक करना है। जैसे इस हैंडसेट को रिपेयर करने से पहले हमने सारी डिस्प्ले की मीपी लाइंस जो है सारी चेक की थी, रीसेट लाइन और आईडी लाइंस और वीआईओ वोल्टेज और वीएसपी वीएसएन सब चेक करके आपको बताया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऊपर से हमने रैम रिमूव कर लिया है, अब इसका हम सीपीयू को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामने से ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा कैमरा मूव हो रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी टेक्निक ट्रिक्स ही होती हैं जो कि एक मोबाइल को सेफ तरीक़े से हम काम कर सकते हैं। सीपीयू है या यूएफएस है, रैम है, ईएमसी है, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, हर एक आईसी को निकालने का तरीक़ा होता है हैंड स्किल का। आपको नॉलेज होनी चाहिए कितना एयर कितनी हीट रखनी है, कैसे निकालना है, तभी आज जा करके बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम सीपीयू को रिमूव करेंगे और उसके बाद ये ब्लैक पेस्टेड सीपीयू और यूएफएस है उसको क्लीन करेंगे और उसको रिवॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। इस तरह के हैंड स्किल को सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप फोनफिक्स हैदराबाद। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका सीपीयू हमने निकाल लिया है और इसको सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे, फिर सीपीयू को क्लीन करेंगे, रैम को क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और वापस लगाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, हो सकता है आपको सीखने बहुत कुछ मिले इससे। इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी सीखने मिले, ज़रूर एक लाइक कर देना, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट देना और एक अपने टेक्नीशियन भाई तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, ऐसे वीडियोस आप लगातार अगर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन का बटन है, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो कोई चार्ज तो आपका लगेगा नहीं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो, हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे हमारे चैनल पे वीडियो आएगा, इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा जो लेड है, जो रंगा है, उसको हम पहले मिक्स कर देते हैं ओरिजिनल के साथ। ये देख सकते हैं आप, इससे क्या होगा कि पुराना जो पहले से जो रंगा लग के है, उस रंगे को मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम हो जाता है, बहुत आसानी से वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि ओरिजिनल जो ये लोग शोल्डर पेस्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा हीट से मेल्ट होने वाला होता है। तो यहाँ पे हम हमारा वाला मिक्स कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेस्टेड ग्लू भी रिमूव हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद फिर हम डिसोल्डरिंग वायर से साफ़ करेंगे और पीसीबी को अच्छे से क्लीन करना है। ये सब हैंड स्किल का काम हम 4 दिन के अंदर बच्चों को सिखाते हैं फ्रेंड्स। ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड वो हलवे की तरह क्लीन कर लेते हैं, आईसीएम को खोल लेते हैं विदाउट एनी डैमेज, किसी भी पिन को डैमेज किए बगैर बहुत आसानी से वो लोग क्लीन कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रेशर बच्चा आता है, उसको अभी हम हैंड स्किल बना देते हैं ऐसा कि वो मार्केट में किसी भी ऑन सेट पे काम करने से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जितने भी टूल्स यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे टूल्स आपको प्रैक्टिस के लिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम देते हैं। सारे जितने भी टूल्स हैं, जितने भी आपको ब्रांडेड टूल्स है, सब कुछ आपको एक सेटअप होता है आपका खुद का, जहाँ पे पीपीडी पेस्ट, पीसीबी होल्डर, मल्टीमीटर और जितने भी ग्लू के हैंडल्स है, ग्लू कटिंग हैंडल या अप्लायर है, सारी चीज़ दी जाती है आपको। आयरन आप देख सकते हैं, T12 का आयरन देते हैं। प्रैक्टिस के लिए 20 दिन आपके पास एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, जिससे आपका हैंड स्किल बनता है, आपका नॉलेज बढ़ता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सबसे अच्छा है कि रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप ऑर्डिनरी टूल्स लेकर काम करेंगे तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा फ्रेंड्स। यही एक कारण है कि जितने भी बच्चे हमारे पास होते हैं, सबको हम इसी तरह के टूल देते हैं ताकि उनका हैंड स्किल अच्छे से बन जाए और दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में उनको दिखने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ हैंड स्किल के साथ साथ थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि हर एक सेक्शन के कॉम्पोनेंट्स हो गया या फिर वोल्टेज मेजरमेंट, उसका लाइन का नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब वोल्टेज बनता है, कब ड्रॉप हो जाएगा, सारी चीज़ स्टूडेंट को बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें फ्रिक्वेंसी की कमी हो जाने के कारण MIPI लाइन जो है फ्रेंड्स, उसमें से डाटा की इसमें मिसिंग हो जाती है, जिसको हम DSI भी बोलते हैं, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, या MIPI भी बोलते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। वहाँ से फ्रेंड्स CPU और कनेक्टर तक के कंटिन्यूटी तो रहती है, ट्रैक भी ओके रहता है, वोल्टेज भी आता है जो वोल्टेजेस आना चाहिए सारे। बट फ्रेंड्स, होता क्या है, इसमें से डाटा नहीं
आने और जाने के कारण इस तरह का ग्राफिक सेक्शन काम नहीं करता है किसी भी एक लाइन का, क्योंकि फ्रेंड्स MIPI के 10 लाइन में से भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, रीसेट लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, टीयरिंग लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, ID की लाइनों में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ हमको देखनी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम PCB को क्लीन करते हैं, उसके बाद CPU और RAM को भी क्लीन करेंगे और उसको रिवॉल्व करके लगाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि आगे हम रिवॉल्व करते हैं CPU और RAM को भी रिवॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए किस तरह से यहाँ पे हैंड स्केल का काम बताया जा रहा है आपको। ऐसे ही जब आप हमारे पास क्लास में होते हैं, ये सब सेट लाइव स्टूडेंट के सामने रिपेयर करते हैं हम लोग, और ये भी एक स्टूडेंट का ही सेट है जो कि अपने साथ लेकर आए हैं, तो इनका रिव्यू भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा जिसका भी ये सेट था, तो आप ज़रूर देखना वो वीडियो। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंस्टीट्यूट का हमारे पास कोई भी सेट नहीं होता है, जितने भी हैंडसेट यहाँ पर रिपेयर करते हैं हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स के ही होते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट ख़ुद अपने हाथ से 10-10 सेट, मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 सेट अपने साथ लाते हैं और आधे से ज़्यादा सेट वो रिपेयर करके लेके जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड जब आपको नॉलेज हो जाती है लाइन ट्रेसिंग की, सेक्शन की, क्या कंपोनेंट है, क्या IC है, कैसे रिमूव करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कब रिप्लेस करना है, कब रिमूव करना है, यह आपको जब समझ में आ जाता है तो आप बहुत आसानी से अपना काम कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के एंड में। नेक्स्ट बैच हमारा 27 अक्टूबर से है, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो WhatsApp करिए, कॉल करिए, डिटेल ले लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, इस तरह से अगर एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। बाकी फ्रेंड दुनिया इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। और हमारे यहाँ पर जो है स्टूडेंट का हम रिजल्ट दिखाते हैं और ख़ुद काम करके हमारा हैंड स्किल, हमारा टेक्निक, हमारे ट्रिक्स दिखाते हैं, सालों का तजुर्बा स्टूडेंट को देते हैं। सिर्फ हम लोग रिव्यू नहीं लेते हैं फ्रेंड, साथ ही साथ हम काम दिखाते हैं। काम करवाने के बाद बच्चों से पूछते हैं, Day 1 से हमारे यहाँ पे रिव्यू वगैरह नहीं लिया जाता है फ्रेंड्स। हम स्टूडेंट से काम करवाते हैं, सबसे CPU 4G का डन करवाते हैं 3 दिन के अंदर, उसके बाद ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे काम करवाते हैं, डुअल लेकर हैंडसेट पे काम करवाते हैं, साथ ही साथ सर्किट की नॉलेज देते हैं। एक एक बच्चों से पूछने लगाते हैं कि भाई कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, कब वोल्टेज आता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से लाइन शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सर्किट की नॉलेज प्लस हैंड स्किल का काम दोनों भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर का सिर्फ काम देखकर आप खुश मत होइए फ्रेंड्स, अगर आपको काम करने नहीं आ रहा है तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि दुकान में बैठ के आपको काम करना है। तो ये आप देख सकते हैं हैंड स्किल का काम हर बच्चे से हम कराते हैं क्लास में। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में, थैंक यू वेरी मच। Oh,
अभी अपना ग्राफिक जो है आ गया, ग्राफिक यहाँ दिख रहा है अपने को, चार्जिंग का परसेंटेज भी ओके है। इसको नॉर्मली अपन यहाँ से ऑन करके चेक कर लेंगे। यहाँ से नॉर्मली जो है यहाँ से पावर की को दबा के चेक कर लेंगे। ठीक है, एमआई लोगो यहाँ आ गया अपने को। अभी अभी अपना फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो गया। 10T 5G का मोबाइल है। इस तरह का आपको हैंड स्किल होना है या लाइन ट्रेसिंग होना है या चेकिंग करना है, प्रॉपर वे में काम करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद। अभी जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 27 को, इसके लिए आप सीट बुक कर लीजिए। बहुत कमी सीट्स रहते हैं अपने पास। प्रॉपर वे से काम कैसा करना है इसका प्रॉपर तरीका आपको सिखाते हैं यहाँ। जो है, चाहे हैंड स्किल है या ड्यूअल टेकर है या कुछ भी है, तो यहाँ हर एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं इधर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है, फ्रेशर स्टूडेंट भी यहाँ आके प्रॉपरली हैंड स्किल बना के जाते हैं, हर चीज़ के अंदर प्रॉपरली वर्क करते हैं। जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट भी यहाँ आके ड्यूअल टेकर तक डन करके जाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सीपीयू जीपीयू बहुत इजी लेवल में, या इसी की फील्ड का भी नहीं होता, वो बच्चे भी आके सीपीयू डन करके और लाइन ड्रेसिंग करके एक प्रॉपर वे और प्रॉपर तरीके से यह काम सिखाया जाता। कोई भी आना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले में ऊपर दिया हुआ नंबर पर कॉल करिए, अपना सीट बुक कर लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।